अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। यहाँ पे तो आखिरी वीक चल रहा है बच्चों की वेकेशन का, उसके बाद इनका स्कूल स्टार्ट होने वाला है और एक तरफ बहुत खुशी हो रही है, दूसरी तरफ थोड़ी उदासी भी हो रही है। आई थिंक हर मदर की एक ही फीलिंग होती है, क्योंकि माशाल्लाह घर में दिन रात रौनक लगी रहती है, उसकी वजह से ना बहुत जल्दी जल्दी टाइम गुजर जाता है, मज़ा भी बहुत आता है। लेकिन एट द सेम टाइम कभी कभी ये फील होता है कि अपने लिए तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा, और एट टाइम्स मैं तो थक के थोड़ी सी इरीटेट भी हो जाती हूँ कि बच्चों कि बस छुट्टियां खत्म हो ना, ये स्कूल जाना शुरू करें तो कम से कम हाफ डे जो है वो अपने लिए मिल जाता है। ऑल दो हम मदर्स ने क्या करना होता है, हाफ डे सारा अपने ऊपर तो स्पेंड करना नहीं होता, घर के थोड़े बहुत काम कर लिए, थोड़ा अपना स्किन केयर कर ली, जो कि इन 2 महीनों में तो बिल्कुल नहीं मैं कर पा रही, तो बस उसी चीज के लिए ना बस वेट कर रही हूँ। अभी ब्रेकफास्ट बनाने लगी हूँ तो मेरे पास पड़े हुए थे स्प्रिंग अनियन, धनिया वगैरह, सारी वेजिटेबल्स मैं लेके आई थी। ये वाली बास्केट मुझे बहुत अच्छी लगी है, मैंने ये अमेजोन से मंगवाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये देखिए, इसमें बहुत इजीली सारा पानी ड्रेन हो जाता है और वेजिटेबल्स भी नहीं गिरती, ऊपर वाली बास्केट साथ साथ स्लाइड होती है और मज़े से आप इसमें जो भी चीज़ वॉश करनी है कर सकते हैं। मुझे बहुत बहुत पसंद आई है। पहले मैं एज यूजुअल कटिंग बोर्ड निकाल के उस पर कटिंग करने लगी थी, फिर मुझे याद आया कि नहीं, मेरे पास तो ये चॉपर भी है, इसको तो मैं यूज़ ही नहीं करती। तो फिर मैंने इसके अंदर डाले हैं प्याज और साथ में बेल पेपर, ग्रीन वाली और येलो वाली। बस हल्का सा मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा चॉप करूँगी। अभी इसमें मैंने थोड़ा सा धनिया डाल दिया है और ये जो स्प्रिंग अनियन है ये भी डाल दिया है, इसको भी हम चॉप कर लेंगे और बस हमारा जो वेजिटेबल्स हैं ऑमलेट के लिए वो रेडी हो गए हैं। काम तो अभी बहुत सारे करने हैं, आजकल रात को जाग लेती हूँ ताकि बच्चे सोए हों तो थोड़ा सा पीसफुल टाइम मिले जिसमें अपने काम को अटेंशन दे सकूँ। करना क्या है मैंने कि बच्चों के लिए ना लंच बॉक्स की इस दफ़ा न्यू रेसिपीज़ जो है ना वो मैं आपसे शेयर करूँगी, और बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि लास्ट ईयर पूरा साल ही ऐसा हुआ है कि इतिहामी एक ही तरह के बर्गर्स मांगता था, फिर चिकन स्ट्रिप्स मांगता था, वही चीज़ें बना बना के मैं उसको देती थी, फिर मिशारी के लिए भी वही बनता था। लेकिन मिशारी जो है ना वो माशाल्लाह से बड़ा चटोरा है और वो मेरी नई नई रेसिपीज ट्राई करता है तो बहुत खुश होता है और कहता है कि मामा प्लीज नेक्स्ट टाइम पुट दिस इन माय लंच बॉक्स। तो इस वजह से मैंने सोचा कि बच्चा शौक से खाता है और इसी के शौक में तिहामी भी खाएगा, तो मैं किड्स फ्रेंडली रेसिपीज बनाऊंगी। तो उसके लिए मुझे सारा प्लान आउट करना है कि मेरे पास ताकि इन्ग्रीडियंट्स अवेलेबल हों, सुबह में जल्दी जल्दी बना सका करूँ। कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो रात में ही प्रेप कर लिया करूँगी तो आपसे सब शेयर करूँगी। ये जो नया फेज़ आ रहा होता है ना लाइफ का, उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मिशारी इस बार इंशाल्लाह FS2 में स्टार्ट करेगा तिहामी के स्कूल में, और तिहामी का year 7 होगा जो कि पाकिस्तान के हिसाब से grade 6 बनता है, इवन शारजा के हिसाब से भी grade 6 बनता है। यहाँ पे दुबई में जो है वो इस तरह से सिस्टम है कि वो उसको year 7 कहते हैं। मैंने ब्रेड पे लगा दी है मेयो और केचप, और बच्चों के लिए जो टर्की मीट लेकर आई थी मैं कारफोर से, तो ये इसके ऊपर लगा दूंगी। बहुत पसंद है इनको टर्की मीट और सैंडविचेस, ये वाले बहुत शौक से खाते हैं। प्रोसेस्ड वाला मीट नहीं मिलाती, ऑल दो कैंस और इस तरह चीज़ें होती हैं मेरे पास, लेकिन ये जो प्रोसेस्ड मीट है ना ये बच्चों की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो मैं हर वक्त तो नहीं लाती, लेकिन कभी कभी जो है हॉट डॉग्स और साथ में ये जो मीट है कभी कभी ले आती हूँ। बहुत सारे काम करने हैं बच्चों के स्कूल जाने के बाद और एक दो हफ्तों के अंदर अंदर ही करने हैं, जिसमें सबसे पहले तो पूरे मंथ की मील प्लानिंग होती है, फिर उसके हिसाब से ग्रोसरी प्लानिंग होती है। मुझे ये चीज़ें बहुत पसंद हैं और मेरा फ़ोन जो है ना वो एक पूरा ख़जाना है तरह तरह की ऐप्स का, और उसमें मेरा सालों साल से डेटा पड़ा होता है, तो ये वाले काम मुझे अच्छे लगते हैं। लेकिन जब से ये 2 मंथ्स की वेकेशन आई है उसमें रैंडमली जो भी खाना बनता है ना रैंडम डिसीजन पर बनता है, घर में जो इन्ग्रीडियंट्स अवेलेबल होते हैं उनको देख के पहले देखती हूँ क्या है, फिर उसके अलावा उसके बाद सोचती हूँ कि अच्छा ठीक है आज ये बना लूँगी कल ये बना लूँगी, पूरे पूरे वीक का मेन्यू भी बनाने का इतना कोई टाइम ही नहीं मिल रहा, मंथ तो दूर की बात है। वीकेंड पर मैं गिफ्ट मार्केट भी गई थी और वहाँ से मैं लेकर आई थी ट्रांसपेरेंट शीट। बहुत से लोग पूछते हैं कहाँ से मिलती हैं, तो ये इवन आपको कारफोर से भी इसी बार मैंने देखा कि ट्रांसपेरेंट शीट रोल्स वहाँ पे भी होते हैं, उसमें से आपको 1 मीटर 2 मीटर जितनी भी चाहिए आप वहाँ से कटवा सकते हैं।
मैंने जो फिलहाल प्लेसमैट्स रखी हुई हैं डाइनिंग टेबल के ऊपर ग्रे कलर की, वो मुझे बहुत बहुत पसंद है। और लेकिन क्या है कि उनके ऊपर बच्चों से कुछ फूड गिर जाता है ना, तो उनके अंदर क्रिस क्रॉस से छोटी छोटी सी निटेड किस्म की है ना, तो उसके अंदर फंस जाता है। फिर हर बार मुझे अच्छे से उसको क्लीन करना पड़ता है, वॉश करना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि एक बार ना नीचे उसको रख के सारी प्लेसमैट्स को उसके ऊपर शीट लगा देते हैं, तो उससे क्या होगा कि मेरे लिए टेबल की क्लीनिंग भी आसान होगी और जो मेरी मैट्स हैं वो भी ख़राब नहीं होंगी। सोच रही थी अभी बच्चों के लंच बॉक्स भी ऑर्डर करूं या ना करूं अमेज़ॉन पे, लेकिन तिहामी का भी लंच बॉक्स है, मिशारी का भी है। मुझे एवरी ईयर लंच बॉक्स नया लेने का बहुत शौक होता है। जब मैं छोटी थी हर साल मुझे अम्मी अबू नया लेके देते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि गुड़िया को शौक है। मेरा बाय द वे बचपन से ही नाम गुड़िया है तो उसके बाद फिर अब बच्चों के लिए भी मुझे ये शौक होता है, लेकिन तिहामी मेरा बहुत मजाक उड़ाता है कि मम्मा आप हर वक्त लंच बॉक्स और लंच बॉटल्स वाटर बॉटल्स ही लेती रहती हैं। तो खैर इस बार मैंने अभी तक तो नहीं लिए, देखें लेती हूँ या नहीं। तो खैर यहाँ पे ना मैंने ये डबल टेप लगा दी है और ये ना वाटर से भी रिमूव हो जाती है और वैसे भी आप इसको उतारेंगे रिमूव हो जाएगी, किसी भी सरफेस से पेंट नहीं उखाड़ती है। ये बहुत अच्छी टेप है और ये मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अमेज़ॉन का। वैसे मैंने गिफ्ट मार्केट से ली है, लेकिन जिनके पास गिफ्ट मार्केट की फैसिलिटी नहीं है, उनके एरिया में अवेलेबल नहीं है, तो वो अमेज़ॉन से देख सकते हैं। टेप मैंने इसलिए लगाई है कि ये मैट्स हिलती रहती हैं शीट डालते हुए, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती हैं, तो मैंने सोचा कि बार बार शीट उतारनी भी पड़ती है इसको क्लीन करने के लिए, तो मैट जो है नीचे फिक्स हुई होगी ना, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और ये वाकई बहुत अच्छा रह गया, मैट्स हिल नहीं रही अपनी जगह से। मैंने शीट ली थी 2 मीटर्स और जो मुझे वहाँ से लेके आइडिया हो गया वह कि जो इसकी विड्थ है ना वो दोनों साइड पे बहुत परफेक्ट आ जाती है, लेकिन जो लेंथ है वो मैं 1.5 मीटर शायद लूँ, लेकिन इतने टाइम बाद ली थी तो मुझे याद नहीं थी कितनी लेनी चाहिए। बाकी मैंने सेव कर लिया है इसको, प्रॉबेबली मैं किचन में कहीं पर यूज़ कर लूँगी। और ये भी मेरा वॉलपेपर टूल्स में आया है, ये टूल ये देखें कितना अच्छा टूल है, और इसको बस भी सेंटर में रखते हैं और स्लाइड करते जाते हैं, बल्कि स्लाइड क्या ग्लाइड करते जाते हैं और फिर ये शीट कट जाती है, वॉलपेपर्स वगैरह पेपर्स इसी तक कट हो सकते हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ, इस बार मैंने अमेज़ॉन से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मंगवाई हैं और जो कि प्राइस में भी रीज़नेबल हैं और मुझे बहुत काम भी आ रही हैं। एक्स्ट्रा शीट को मैं फोल्ड करके रख दूँगी, इसे किसी और काम के लिए हम यूज़ कर लेंगे। इसकी भी सेटिंग चेंज करने का दिल चाहता है मेरी, ये जो मिरर वाला जो मेरी ट्रे है, लेकिन बस बच्चे जाएंगे ना स्कूल तो उसके बाद टाइम ही टाइम हुआ करेगा, तब मैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें करूँगी। ये एक और बहुत ही क्यूट किस्म की फाइंड है ये मेरी अमेज़ॉन की, और ये है जी ट्रांसपेरेंट टिशू बॉक्स। इस तरह स्लाइड होके निकल जाता है और ये देखें अभी इस तरह से आप इसे क्लिक करते हैं तो ये अंदर फिक्स हो जाता है इसकी, मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसके अंदर टिश्यू डालेंगे तो नीचे से खुल जाएगा और गिर जाएंगे टिश्यूज। छोटी छोटी चीज़ें घर की डिकोर में बहुत वैल्यू ऐड करती हैं। सिर्फ एक चीज़ की कमी मुझे फील होती है कि मेरे पास बड़े बड़े प्लांट्स नहीं हैं जो कि होने चाहिए घर में, कॉर्नर्स में अच्छे लगते हैं। ये कितना क्यूट लग रहा है टिश्यू बॉक्स। अभी मैंने थोड़े से ज़्यादा डाल दिए हैं, इसमें इतने से डालने चाहिए ना, आई थिंक इसमें से शायद 1 सेंटीमीटर कम टिश्यूज़ डालने चाहिए थे, तो उससे टिश्यूज़ ने ना इस तरह से लेयर नहीं आनी थी उसमें, बिल्कुल सीधे सीधे ज़्यादा क्यूट लगने थे। फर्स्ट टाइम था, नेक्स्ट टाइम कम डालूंगी थोड़े से। कारफोर जब मैं गई थी वीकेंड पे तो मैं ये नट्स भी लेके आई थी, क्योंकि नट्स भी ख़त्म हो गए थे, बच्चे माशाल्लाह खाते हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने इनको टेबल पे रख दिया हुआ है, फिर आते जाते ना बच्चे खा लेते हैं, वरना अंदर किचन में हो तो फिर तो नहीं खाएंगे, देंगे तो खा लेंगे अदरवाइज तो नहीं। तो अभी माशाल्लाह रेगुलरली नट्स घर में ख़त्म होते हैं और फिर मैं न्यू मंगवा लेती हूँ। और ये मैंने अपने लिए मंगवाए मैकेडेमिया नट्स, मुझे बहुत पसंद है, मेरी वजह से तिहामी और मिशारी और शहजाद को भी थोड़े थोड़े पसंद आ गए, तो लेकिन इतने ज़्यादा ये लोग नहीं खाते तो फिर मैं थोड़े से ही लेती हूँ।
इतने आई थिंक मंथ्स हो गए हैं बच्चों की जब से छुट्टियां स्टार्ट हुई हैं, तो मैंने ये डिफ्यूजर्स भी ऑन नहीं किए घर में, और आज मैंने काफ़ी देर के बाद अपना फेवरेट एसेंशियल ऑयल यूज़ किया है और बहुत अच्छी अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। और खैर ये जो एरिया है नीचे टेबल का, इसको भी मैं क्लीन कर लूँगी। ये तो डेली का काम है, क्योंकि मिशारी जो है माशाल्लाह कहता है आई लाइक टू फीड माई सेल्फ, तो वो हमसे खाना कम ही खाता है, अपना खुद खा रहा होता है, तो काफ़ी ज़्यादा भी क्रम्स नीचे भी गिरते हैं, तो नाश्ते के बाद ही ज़रूरी होता है कि समेट लिया जाए। तो हामी की खुशी होती है देखने वाली ये मॉप को देख के। आप देखिए अभी भी स्माइल कर रहा है और उसको एक्साइटमेंट है, और फिर मुझे कह रहा था कि मामा मैं करूं। उसको अच्छा ये लगता है कि उसमें से ना वो स्प्रे कर करके पानी को, तो फिर वो मॉप करता है ना, तो उसे बहुत खुशी मिलती है। तो मैं भी अपना काम आसान करती हूँ, जितनी दफ़ा भी मुझसे कहने आता है मैं कहती हूँ हाँ बेटा बिल्कुल करो, अच्छे से करना, सारी तरफ से करना। मेरे हाउस हेल्प ने मेरा काम बटा दिया, तो मैं आ गई किचन में। मैंने सोचा कि चलें जी लंच की तैयारी शुरू कर लेते हैं। तो मैं ये फ्रेश कॉर्न लेके आई थी, इनसे मैं राइस बना लूँगी, और इतने अच्छे राइस बनते हैं, इतने टेस्टी बनते हैं, ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। क्योंकि कॉर्न तो हर जगह हर वक्त मिल रहे होते हैं, लेकिन हमें यही पता है बस इसको हमने भून के खा लिया, इसको हमने जो वो बाय सॉल्ट में ये पक के मिल रहे होते हैं, बस उसी तरह हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है ज़्यादातर। तो आप ये मेरा वाला मेथड ट्राई कीजिएगा, उसके बाद आई एम श्योर कि आप कच्चे कॉर्न जहाँ भी देखेंगे ना फौरन खरीद के घर ले आया करेंगे। दो कॉर्न है फैमिली ऑफ फोर के लिए इनफ है, तो मैंने एक कॉर्न जो है ना उसके सारे कर्नल्स इस तक कट करके निकाल लिए हैं, और दूसरे कॉर्न के मैंने चार पीसेस कर दिए हैं। और मैंने दो कप राइस ले लिए हैं, उसमें मैंने चार कप पानी डाल दिया, तकरीबन 3.5 कप कह लें, क्योंकि कॉर्न का अपना भी थोड़ा सा पानी होता है। तो इसके अंदर मैंने फिर कॉर्न कर्नल्स जो है वो डाल दिए हैं, साथ में मैं डाली हूँ नमक, इसको मैं मिक्स कर लूँगी, और इसके ऊपर बस मैंने ये कॉर्न काट के जो रखा था ये इसके ऊपर प्लेस कर दूँगी, और इसको मैं राइस कुकर को स्टार्ट कर दूँगी। जब तक राइस पकेंगे ये कॉर्न भी सॉफ्ट हो जाएंगे। अगर आप ये चूल्हे पे बना रहे हैं तो भी आप भी मेरे वाला तरीका फॉलो करें कि एग्जैक्टली उतना ही पानी डालें जितना रिक्वायर्ड, और हल्की आग पे उसे रख दें। ऐसा नहीं है कि बॉयल हो गए एक्सेस पानी में उसके बाद छान लेंगे, तो हल्की आग पे पकने दें, तो ये सारा इंशाल्लाह खुद ही पक के रेडी हो जाएगा। अच्छा जी, मैं बनाने लगी हूँ बहुत मज़े की चिकन स्ट्रिप्स, और बहुत ईजी भी बनती हैं, और साथ में इसके मैं हनी सॉस बनाऊँगी। चिकन स्ट्रिप्स को मैंने कट कर लिया है, और अभी हनी सॉस के जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो इकट्ठे कर लेते हैं। मैं डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट, रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले तो इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट करने पड़ते हैं जिन जिन कैबिनेट्स में रखे होते हैं। मोस्टली ये काम मैं कैमरा ऑन करने से पहले कर लेती हूँ, तो फिर ज़रा कुकिंग करते हुए और देर नहीं लगती। मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला था, और उसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के अभी ये कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ। ये हम बना रहे हैं हनी सॉस, इसके अंदर मैं ये डालूंगी सोया सॉस। ये ख़त्म हो गई है, तो अब मैं दूसरी बॉटल में से डाल रही हूँ, और साथ में अब हम इसके अंदर हनी डाल देंगे। अगर आपके पास हनी नहीं है या ऐड नहीं करना चाह रहे तो आप ब्राउन शुगर डाल सकते हैं, वो भी नहीं है तो फिर वाइट शुगर डालें, और ये देखें क्या हो गया। वाइट शुगर जो है, लेकिन उसकी क्वांटिटी फिर आप थोड़ी सी चेक करके डालें, हो सकता है आप फिर कम डालें। हनी तो मैंने 4 स्पून डाले थे, इसमें थोड़ा सा मैंने और पानी डाल दिया, और साथ में इसमें चिली सॉस भी, आपकी जो भी फेवरेट चिली सॉस है वो इसमें आप डाल लें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली। और बस ये 4-5 इंग्रेडिएंट्स हैं, और हमारी हनी सॉस जो है ना ये कुक कर लेंगे और रेडी हो जाएगी। चिकन स्ट्रिप्स की कोटिंग के लिए मैंने मैदा लिया, उसमें नमक डाला है, पेपरिका पाउडर डाला है, और साथ में ओरेगनो डाल रही हूँ और बेजल डाल रही हूँ। बेजल लीव्स आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। बच्चों को ये रेसिपी बहुत पसंद आती है, बहुत मिनिमम से इंग्रेडिएंट्स है। मेरी कोशिश होती है रेसिपीज़ वो बनाऊं जो बहुत इजी हो बनाने में और जल्दी बन जाए, लेकिन उसमें ये जो एक्स्ट्रा काम आ जाते हैं ना ये फिर टाइम वेस्ट करते हैं। जैसा कि मेरा मैदा जो है ना वो ख़त्म हो गया था, तो मेरे पास 2 थे बैग्स 1 KG के, तो मैंने सोचा कि भाई अभी बीच में वो काम भी कर ही लूँ। ये कोटिंग हमारी रेडी है अच्छी तरह से, इसको बस हम मिक्स कर लेंगे और एक साइड पर रख देंगे। अब अभी बताऊंगी बस जल्दी जल्दी से इसको हम कुकिंग भी कर लेंगे। ये जो मैंने चिकन स्ट्रिप्स ली हैं ये 1 KG चिकन है, और इसके अंदर मैंने 1 अंडा डाल दिया है, साथ में थोड़ा सा मैंने सॉल्ट भी डाला जो वीडियो में शो नहीं हुआ है, आई एम सॉरी, कुछ क्लिप स्किप भी हो जाते हैं। तो खैर इसको मैंने डाल के मिक्स कर दिया अच्छी तरह से। उतनी देर में मैंने ऑयल को भी हीट होने के लिए रख दिया था, इसके अंदर मैं डालती जाऊंगी बस एक एक स्ट्रिप, और उसको अच्छी तरह से कोट करती जाऊंगी, और साथ साथ ही हम इसको ऑयल में डालते जाएंगे,
ऑयल हमने जो है ना वो लेना नहीं है डीप फ्राइंग के लिए, क्योंकि क्या होता है कि ये ना मैदा बहुत ज़्यादा लगा हुआ होता है, तो ये जितना भी आप ऑयल यूज़ करेंगे ना वो बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा बाद में, क्योंकि मैदा इतना बारीक होता है कि किसी भी छलनी से किसी भी कपड़े से ठीक तरह से ना छाना नहीं जाता। तो इस वजह से मैं फिर थोड़े ऑयल में ही ऐसी स्ट्रिप्स वगैरह या ऐसा चिकन फ्राई करती हूँ। डीप फ्राई करेंगे तो वो फिर सारा ऑयल ही तकरीबन यूज़ हो जाता है। बस जल्दी जल्दी हम इस तरह से इसे मिक्स करते जाएंगे और कोट करके हम लगाते डालते जाएंगे ऑयल में। एक तरफ राइस पक रहे हैं, एक तरफ ये चिकन स्ट्रिप्स रेडी हो रही हैं, साथ ही जो सॉस है उसको भी मैं चूल्हे पे रख दूंगी, क्योंकि वो भी बहुत ईजी सा ही काम है। लेकिन जब ये कॉम्बिनेशन जब बनता है ना और ये सारी इंडिविजुअल रेसिपीज़ को आप इकट्ठा करते हैं तो फिर खाने का जो मज़ा आता है, जो आपकी प्लेट रेडी होती है, बहुत मज़ा आएगा। ट्राई करके देखेंगे तो फिर मान जाएंगे। और ये स्ट्रिप्स जो है ना इनको मैं बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं कर रही हूँ, बस अच्छे अच्छे से जूसी सा ये कुक हो जाता है पूरी तरह चिकन, तो मैं इसको निकाल रही हूँ। अब हम इसके अंदर दूसरा बैच डाल लेंगे। माशाल्लाह से शहजाद ने ऑफिस जाना होता है और मैं वो घर का जो लंच होता है ना हम एक दिन पहले बनाते हैं, नेक्स्ट डे वही लेके जाते हैं, तो इस वजह से मुझे एक्स्ट्रा क्वांटिटी बनानी होती है। मैं लग गई थी बच्चों के किसी काम में और मुझे याद ही नहीं रहा था कि मैं तो जनाब इसको भी रख के गई हुई हूँ चूल्हा ऑन छोड़ के, तो इसके अंदर बन गई लम्स। तो लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं अच्छी तरह से कुक करके ना तो बाद में विस्क कर लूँगी तो ये लम्स टूट जाएंगी। ये हमारा सेकेंड और फाइनल बैच भी रेडी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और ये मैंने इसे अच्छी तरह से विस्क किया, तो ये देखें सारे लम्स इसके खत्म हो गए हैं। अगर आपको लगे ज्यादा थिक है तो आप पानी और भी डाल सकते हैं। जब भी कोई बहुत मज़े का और बिल्कुल लाइट सा फूड बनाती हूँ ना तो मेरा दिल करता है कि साथ में वेजिटेबल भी जो होती है ना रॉ वेजिटेबल्स, उनका भी कुछ रेडी करके रखूँ। तो मेरे पास ये कैबेज थी तो मैंने इसको अच्छे से बारीक सा स्लाइस कर लिया है, ग्रेट किया है, आप स्लाइस भी कर सकते हैं। मेरे पास कैबेज पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा कि इसको ग्रेट कर लेते हैं और जल्दी से कैबेज का क्विक सा सैलड बना लेते हैं, क्योंकि जब फ्राइड चिकन हम खाते हैं ना तो उसके साथ कोई भी किस्म की जो क्रंची वेजिटेबल्स होती हैं ना वो बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैंने इसके अंदर डाल दिया लेमन जूस, आपके पास फ्रेश है तो वो डालें, उसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। और ये मैंने साथ में सॉल्ट डाला है और थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाली है और इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसमें आप चाहें तो ऑलिव ऑयल वगैरह भी डाल सकते हैं, तो मैंने नहीं डाला क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था, मुझे ये इसी तरह ही अच्छी लगती है। और ये देखिए कितनी प्यारी लुक आई है, और ये कॉर्न इतना मज़े का लगता है, इतना जूसी सा ये स्टीम होता है ना कि बस आप खाएंगे तो आपको पता चलेगा। और साथ में कर्नल जो मैंने कट करके राइस में मिक्स किए हुए थे ना, उसकी वजह से पूरे राइस में कॉर्न का फ्लेवर है, और वो भी फ्रेश कॉर्न, फ्रोजन भी नहीं, तो बहुत मज़े के राइस बनते हैं। बच्चे ऑलरेडी खाना खा चुके थे, रिकॉर्ड मैंने नहीं किया, लेकिन माशाल्लाह से आप देखें कितना सा रह गया, क्योंकि तिहामी मिशारी दोनों ने बहुत शौक से खाया था। तो बस अब मेरा और शहजाद का हमारा फूड है, और साथ में शहजाद के लंच के लिए कल। इसके ऊपर ये मैं डाल रही हूँ सॉस, ये बिल्कुल प्लेन और ग्लॉसी बननी थी अगर इसको मैं साथ साथ स्टर करती रहती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट वॉज अमेजिंग। और ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, देखिए कितनी प्यारी लुक आई है प्लेट की। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और मेरी एक्साइटमेंट एवरी पासिंग डे के साथ बढ़ती जा रही है। अल्लाह ताला सब खैरियत रखे, बच्चों का स्कूल शुरू हो जाएगा तो जनाब मेरे मौज मस्ती के दिन आएंगे, और वो ये होंगे कि जिसमें मैंने अपने आप को और घर को तवज्जो देनी होती है। तो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ढेर सारी अच्छी अच्छी वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर आऊंगी। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।